बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नीतीश ने भारत की यात्रा पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित दोपहर के भोज में शामिल होने के बाद मोदी से मुलाकात की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को जातीय हिंसा से प्रभावित सहारनपुर के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने कुछ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल है। इस देश में जो शक्तिशाली नहीं है वह डरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के जेवर में हुई गैंगरेप की घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने मीडिया पर इस मामले को तूल देने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि देश की मीडिया हर रेप केस की रिपोर्टिंग करती है, जबकि अन्य किसी देश में ऐसा नहीं होता है। दूसरे देशों की मीडिया छेड़छाड़ और रेप जैसे मामलों को नहीं दिखाती। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने टॉप हिजबुल कमांडर सबजार अहमद भट्ट को मार गिराया है। साथ ही एक और आतंकी भी सेना की कार्रवाई में ढेर हो गया है। आतंकियों के मारे जाने के बाद घाटी में कई स्थानों पर फिर से पथराव की घटनाएं शुरू हो गई हैं। वहीं घाटी में एक महीने बाद आज ही शुरू हुई इंटरनेट सेवा को फिर से बैन कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एलओसी के पास शनिवार को सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 6 घुसपैठियों को मार गिराया है। रामपुर सेक्टर में एलओसी पर सुरक्षा बल आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सरकार ने वध के लिए पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने जीवों से जुड़ी क्रूर परंपराओं पर भी प्रतिबंध लगाया है। पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत पशु क्रूरता निरोधक नियम 2017 को अधिसूचित किया है। पांडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने वध के लिए मवेशियों की बिक्री पर पाबंदी लगाने की अधिसूचना जारी करने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार को लोगों के खाने पीने की पसंद पर बंदिशें थोपने का कोई हक नहीं है। उन्होंने केंद्र से मांग की है कि वह वध के लिए मवेशियों की बिक्री प्रतिबंधित करने वाली अधिसूचना रद्द करें। बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी नई पार्टी बना ली है। सिद्दीकी ने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय बहुजन मोर्चा रखा है। माना जा रहा है कि नसीमुद्दीन आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के और नेताओं को अपने साथ जोड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश ने विधानसभा के एक विशेष सत्र में शनिवार को राज्य वस्तु और सेवा कर विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। वित्त मंत्रालय का भी प्रभार रखने वाले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सदन में विधेयक पेश किया, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मॉरिशस के अपने समकक्ष प्रविंद जगन्नाथ से मुलाकात की। संयुक्त वार्ता के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि मॉरिशस के नए पीएम ने अपनी पहली विदेश यात्रा के तौर पर भारत को चुना। हमारे बीच दो सदियों का गहरा संबंध है।